CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। चेंबूर योग वेदांत सेवा समिति और युवा सेना संघ के द्वारा शनिवार की शाम को चेंबूर के गोल्डन लॉन में मातृ पितृ पूजन महोत्सव आयोजित किया गया था। इसका आयोजन संघ के मुकेश पंजाबी, लक्ष्मण व सुरेश आहूजा, डॉक्टर विजय गोस्वामी, अनिल गुप्ता, नरेश दरवेश माध्यम से किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धनंजय देसाई, शिवसेना उप विभाग प्रमुख प्रमोद शिंदे, नगर सेविका निधि शिंदे, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अनूप पाल, राष्ट्रीय बजरंग दल के दक्षिण मध्य मुंबई अध्यक्ष रवि बनवाल, बजरंग सेना के अध्यक्ष पीताम्बर जाधव सहित बड़ी संख्या में माता पिता एवं बच्चे मौजूद थे। मातृ पितृ पूजन के इस कार्यक्रम में वातावरण श्रद्धा भाव प्रकट हुआ। मी अतिशय चांगला प्रश्न विचारलात। आपण भारताची मुख्य परंपरा आहे मातृपितृ पूजन। आज भारत वाचलाय, अनेक देश 56-57 देश इस्लामिक झाले, 150 देश ख्रिश्चन झाले, पण जगातल्या सर्व टोळ्यांनी भारतावर हल्ले करून सुद्धा भारत वाचलाय, कारण भारत मातृपितृ आणि गुरुपूजनात श्रेष्ठ होता। आपल्या मुलांची सेवा करणं म्हणजे मातृपितृ पूजन आहे। जसं एखाद्या मोबाईलचा चार्जर, त्याचा चार्जर त्याला लावून चार्जिंग करता येतं, तसं आपल्या आयुष्याचं चरित्र सुधरवायचं असेल, आपली नीतीमूल्यांचं रक्षण करून आपल्याला कुठच्याही क्षेत्रात यश प्राप्त करायचं असेल, तर ज्यांच्यापासून आपलं निर्माण करण्यात आलं आहे परमेश्वराच्या माध्यमातून, त्या मातापितांची पूजन करणं म्हणजे स्वतःचं कल्याण करणं आहे। आणि ते मातृपितृ दिवस पूजन संतश्रेष्ठ आसारामजी बापू या महान योग्याने ह्या भारतामध्ये पुनश्च सुरू केलं आहे। मी आसारामजी बापूंचा समस्त हिंदूंच्या वतीने आणि जगातल्या सर्व कल्याणकारी समाजाच्या वतीने मी कृतज्ञ आहे की असे महान संत या भारतामध्ये निर्माण झाल्यामुळे भारत आजही भारत टिकला आहे। आणि मातृपितृ दिवस साजरा केल्याने तुमच्या कुळाचा उद्धार होणार आहे। तुम्ही तुमच्या मुळाची पूजा करताय, तुम्ही स्वतःच्या रक्ताचं शुद्धीकरण करताय, तुमची स्वतःच्या चित्ताची शुद्धी करताय, त्याच्यामुळे मातृपितृ दिवसासारखा एक अद्भुत आध्यात्मिक उपक्रम देऊन आमच्या कुळाचं रक्षण केल्याबद्दल मी आसारामजी बापूंचं खूप धन्यवाद देतो, कृतज्ञ आहे मी त्यांचा। संघटन है ये मागच्या वर्षी, और यहाँ पे जो मुझे मातृपितृ दिवस पे आने का अवसर मिला है उसके लिए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। सभी को जय श्री राम। इससे ज्यादा कोई शब्द बोलना नहीं चाहता हूँ। सभी लोगों को पता है इस कार्यक्रम के बारे में, ये 14 तारीख को मनाया जाता है लेकिन आज दो दिन पहले मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रवि कुमार जी को और इनका स्वागत युवा सेवा संघ की तरफ से। प्रशांत गुप्ता युवा सेवा संघ की तरफ से। प्रशांत गुप्ता, चेंबूर युवा सेवा संघ में सभी नौजवानों को आग्रह करता हूँ जरूर जुड़िए। बैनर लगा है, फोन नंबर भी लगा है, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क है। इसी बहाने देश की सेवा हो। और अनिल गुप्ता उपक्रम है वो, अनिल गुप्ता भी जो बाबू के आशीर्वाद से जो चल रहा है वो हमेशा चलना चाहिए। दो जन मिलकर करेंगे स्वागत। वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति नहीं है और बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्यार को विरोध नहीं होता है लेकिन जो हमारा कल्चर है, जो मातृ और पिता का एक अलग महत्व है हमारे पूरे धर्म में, वो धार्मिक वो यहाँ पे उनकी पूजा होनी चाहिए। वो जो हमारे लिए कष्ट हमारे सभी कार्यकर्ता वो सेवाधारी कष्ट के प्रति हमारी सद्भावना होनी चाहिए, इसलिए अच्छा आयोजन यहाँ पे चल रहा है। हमेशा बच्चों के ऊपर ऐसे ही संस्कार होने चाहिए। पत्रकार अगर हमारे ऐसी संस्कृति बनी रही तो एक अच्छी शिक्षा हमारे देश के लिए जो जरूरी है, आप जो देखोगे उससे हमेशा हमारा देश जो है सशक्त बनेगा, अच्छा कल्चर रहेगा तो देश का भी अच्छा विकास होगा। लकी हो, धन्यवाद। कार्यक्रम है और चेंबूर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की टीम को यहाँ पे बुलाया गया है, तो आज हमें बड़ा ही उत्सव ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आके हमें बड़ा ही आनंद लग रहा है कि आसाराम बापू जी के कार्यक्रम में आए हैं। और हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि आसाराम बापू को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और मातृपिता का जो कार्यक्रम आसाराम बापू जी के हाथ से होता था वो सदैव उनके सामने हो और उनके सामने हमेशा होता रहे। सभी को जय श्री राम। मेरा नाम मनोज कुमार रजनपाल है, मैं वासीनाका में रहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद का जिला मंत्री हूँ।
मैं ये जो कार्यक्रम है यहाँ पे हो रहा है करीब 7-8 साल से मैं ऐसे सभी कार्यक्रम में मैं जो भी हुए इनके कार्यक्रम मातृ पितृ पूजन दिवस के निमित्त मैं हर एक कार्यक्रम में उपस्थित रहा हूँ। और स्वयं हमने विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से 2018 में ऐसे ही बड़ा कार्यक्रम किए थे जिसमें करीब 1,500 लोग आए हुए थे। हम अपनी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विश्व हिंदू परिषद सदैव से काम कर रहे हैं। पूरे विश्व का हिंदुओं का संगठन एक हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो लोग पश्चिमी संस्कृति को भारत में थोपने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा थप्पड़ बोल सकते हैं, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको वैलेंटाइन डे मनाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। आप सभी ने सुना होगा बजरंग दल किस तरह से वैलेंटाइन डे के दिन विरोध करता है पूरे देश भर में। हम किसी के प्रेम के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो प्रेम सिर्फ कुछ संबंध के लिए हो, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए हो, हम उसके खिलाफ है। अगर उनको प्रेम करना है, विवाह करना है, जिंदगी बितानी है, उसके खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से हम लोग संगठन करके काम करते रहते हैं, और जो भी देश विरोध काम करेगा और ऐसे टाइम पास करेगा उसके खिलाफ बजरंग दल हमेशा खड़ा रहेगा और खड़ा रहा है। और बापूजी हमारे बहुत बड़े गुरु हैं, हम भी उनके फॉलोअर हैं। उनको ऐसे सभी कार्यक्रम के को उन्होंने रुकाया, पूरे देश भर में धर्मांतरण रुकाया, इसके निमित्त दूसरी विरोधी जो पार्टियां हैं उनको षड्यंत्र के नाते उनको फंसाया और बापूजी जेल में। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा बापूजी जल्द से जल्द आए और ऐसे आयोजन पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर हो, ऐसा मेरा निवेदन है। जय श्री राम। ये मातृ पितृ पूजन दिवस महोत्सव परम पूज्यपाद संत श्री आसाराम जी बापू ने 13-14 साल पहले शुरुआत करवाई थी। पश्चिमी सभ्यता से हमारे युवा दिग्भ्रमित न हो जाएं, संस्कार कुसंस्कारों में डूब न जाएं, युवाओं को सचेत करने के लिए, बच्चों में उत्तम संस्कार डालने के लिए गुरुदेव ने मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत करवाई है। और इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों के मन में अभी से माता पिता के प्रति आदर के भाव पैदा हों, वो अपनी संस्कृति को जाने कि अपनी संस्कृति में माता पिता का कितना ऊंचा आदर है, हमेशा हमेशा उनका आदर करे, इस उद्देश्य को समाज में फैलाने के लिए गुरुदेव ने आयोजन करवाया है। मातृ पितृ कार्यक्रम हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी ने पिछले 15 साल पहले शुरू किया था 2007 से। ये बहुत ही भव्य रूप लेता जा रहा है साल भर साल, और 167 देश में मनाया जा रहा है। तो गुरु जी का संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, इसके लिए ये कार्यक्रम 15 साल पहले से शुरू था। तो भारत विश्व गुरु बनकर ही रहेगा, हमारे गुरुदेव का संकल्प कोई भी नहीं काट सकता है, पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं के बापूजी का संकल्प को काट सके। भारत विश्व गुरु बनकर ही रहेगा। हरिओम माँ, हरिओम माँ, हरिओम माँ। पूजन कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, वैलेंटाइन डे 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे आज युवा पीढ़ी जो अपने देश का कल्चर नहीं है, लेकिन आज विदेश के कल्चर को देखते हुए आज अपनी युवा पीढ़ी और कल्चर को अपना रही है। और आज युवा पीढ़ी का जो दुरुपयोग और सत्यानाशी के तरफ बढ़ रही है युवा पीढ़ी, वो चीज़ को हमारे बापू जी ने देखा और हमारे बापू जी को चीज़ नहीं सही लगा, और बापू जी को समझ में आया है कि आने वाली जो पीढ़ी है वो पूरी तरह सत्यानाश की तरफ बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा हिंदू कल्चर जो हमको संस्कार देता है कि माता पिता की पूजा किया जाए, तो हमारे बापू जी ने वो वैलेंटाइन डे के विरोध में उस दिन जो एक लड़की को या किसी लड़के को या किसी लड़की को गुलाब का फूल दे के आई लव यू बोलना और प्रेम दिवस मनाना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसलिए हमारे बापूजी ने उसका उल्टा किया और कहा जिसने हमें जन्म दिया है और जो हमको पाल पोस के बड़ा किया है, और आज हम उनको भूल के एक लड़की को आई लव यू बोलने से अच्छा और सत्यानाशी की तरफ बढ़ने से अच्छा अपने माँ बाप का पूजा करें, और उस दिन अपने माँ बाप को आई लव यू बोले, अपने माँ बाप की पूजा अर्चना करें और मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। मेन उद्देश्य यही है जो कि हमारे बापूजी ने आज 15 साल से लगभग ये अभियान चालू किया है, और आज लगभग देश विदेश हर एक जगह ये कार्यक्रम चल रहा है बहुत भाविक रूप से। और आज हमने भी यहाँ पे कार्यक्रम किया, और हमारा यही संकल्प है कि पूरे भारत में, पूरे देश में ये मातृ पितृ पूजन दिवस अच्छे पैमाने पे होता रहे और विश्व गुरु भारत बन के रहेगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, बच्चों लोग का संस्कार देना है
और बाबूजी का ये सत्संग देश में पहुंचाना। हाँ, ये संस्कार तो बहुत जरूरी है और हमको बहुत अच्छा भी लगा कि हमको ऐसा मौका मिला कि माता पिता पूजा कर पाए, और पहली बार मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। पूजा ये जो हम लोग पहले से मनाते आ रहे हैं बापूजी के हम शिष्य ही है, और ये सदा से मतलब जब से बापूजी ये कार्यक्रम चालू किया है तब से हम लोग ये मनाते रहे हैं। और बहुत सुंदर है, ऐसा संस्कार बच्चों में डालना जरूरी है, और यह देश के लिए, बच्चों के लिए, युवा संघ के लिए, युवा लोग के लिए अति उत्तम है। यह बहुत जरूरी है आगामी भविष्य के लिए, हर बच्चों को यार यानी आने वाले भविष्य को, भविष्य के लिए बहुत सुंदर है।